प्यारे शिव भक्तों, मैं अंकुश और मैं राजा, हम दोनों भाई भगवान शंकर की एक अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी और हम दोनों के साथ हमारी पूरी टीम को आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जय भोलेनाथ। शिव की कथा सुनाने आया, ध्यान लगा कर सुन लो तुम। अपने मन को हंस बना कर भाव के मोती चुन लो तुम। बैठो आंखें बंद करो और शिव शंकर का ध्यान करो। शिव शंकर के नाम मंत्र का मन में मंत्रोच्चार करो। सच्चे मन से भोले का जो नाम जुबा पर लाता है, सच कहता हूँ तन और मन से वो पवित्र हो जाता है। होकर पवित्र तुम महादेव की महिमा की अब कथा सुनो। मिट जाएगी व्यथा तुम्हारी, भूल के अपनी व्यथा सुनो। शिव शंकर की भक्त कोई थी कुंवारी बाला काशी में। पिता नहीं थे दुर्दिन में, माने था पाला काशी में। काशी की वो वासी थी, गंगा जी रोज नहाती थी। विश्वनाथ के मंदिर में नित पूजा करने जाती थी। अभिलाषा थी कुंवारे मन की, सुंदर राजकुमार मिले। मेरी शादी हो जाए अब एक सुखी संसार मिले। शौक था पढ़ने लिखने का, वो घर में पढ़ाई करती थी। माँ बूढ़ी थी, सेठों के घर चौका सफाई करती थी। लेकिन उसका काम था छोटा, कुछ दिन से बीमार थी माँ। चलने फिरने कुछ करने से बिल्कुल ही लाचार थी माँ। जैसे तैसे दिन कटता था, जैसे तैसे रात सुनो। बीमारी में दवा भी लाने की थी नहीं औकात सुनो। माँ जब आहें भरती थी तो शिव को याद वो करती थी। अनहोनी कुछ हो ना जाए सोच के दिल में डरती थी। एक दिन ध्यान लगा कर शिव से बोली, प्रभु पधारो तुम। इस दुखियारी की विपदा को करके कृपा अब टारो तुम। नाथ सनाथ करो अब हमको, रखो हमें अनाथ नहीं। आपके आगे किस दिन बोलो, झुकता है ये माथ नहीं। माँ को ठीक करो भगवान, क्या मेरा भाव अधूरा है। दवा पास में गंगा जल में मिश्रित भंग धतूरा है। तेरी दया की यही दवा मैं माँ को रोज पिलाती हूँ। भूखी अपने भाग्य पे रोते रोते फिर सो जाती हूँ। एक दिन लड़की सोई हुई भी थी, आधी रात हुई। रिमझिम सावन बरस रहा था, एक अचरज की बात हुई। लड़की ने सपने में देखा विश्वनाथ घर आए हैं। माता पार्वती को भी वो अपने साथ मिलाए हैं। आंगन में हैं खड़े हुए, कुछ अधरों पर मुस्कान लिए। हाथ जोड़ कर खड़ी हुई वो, दिल में बहुत सम्मान लिए। विश्वनाथ ये बोल पड़े, तुम मन में धीर धरो बेटी। सुनो ध्यान से जो कहता हूँ, तुम वह काम करो बेटी। बन के कंवरिया वैद्यनाथ का करने तुम दर्शन जाओ। सावन में शिवलिंग को गंगा से तुम नहलायाओ। सावन में श्री वैद्यनाथ का बेटी तुम सम्मान करो। माँ को छोड़ो मुझ पर जाओ, देवघर तुम प्रस्थान करो। इतना कह कर माता के संग हुए नजर
झलना, हवा हुए या पल में बन गए सावन वाले बादल नाथ। खड़ी जहां की तहां थी लड़की, खुशी हृदय में भारी थी, सुख के अंतिम छोर पे उस पल पहुंची हुई दुखियारी थी। रोई हुई आंखें थी उसकी, खोई हुई थी वो लड़की, सिरहाने माता के बैठी सोई हुई थी वो लड़की। टूट गया सपना वो उसका, शिव की पुजारण उठ बैठी, उसकी माँ भी शिव शंकर का करती सुमिरन उठ बैठी। माँ से लगी सपने का सारा हाल सुनाने वो लड़की, बात कहा था शिव ने जो सब लगी बताने वो लड़की। फिर महसूस किया उसने कि माँ की हालत अच्छी थी, बीमारी थी लेकिन उसकी अब कुछ सूरत अच्छी थी। माँ ने कहा अब देर करो मत, देवघर नगरी जाओ तुम, बहन के सरिया बन के कंवरिया बम बम मलख जगाओ तुम। देवघर ओ क्यों भेज रहे हैं उसका भेद वही जाने, हम तो उनके भक्त हैं उनकी बातों को ना क्यों माने। जाओ बेटी राह की हर एक मुश्किल को तुम सह लेना, वो जो भूखी रखे तो तुम खुशी से भूखी रह लेना। समय आ गया जोत जगा लो अपने मन में ज्ञान की तुम, शिव आज्ञा पे बढ़ के लगा दो बाजे अपने जान की तुम। माँ की बातें सुनकर बेटी चली बहुत उत्साह लिए, अपने मन में वैद्यनाथ की दर्शन की थी चाह लिए। तन पे केसरिया बाना और कांधे पे उसके कांवर था, महामंत्र सा लबों पे उसके नारा बम बम हर हर था। कांवरियों की लगी कतारें देख बहुत वो मस्त हुई, धूप तेज थी राह में लेकिन लड़की ना वो पस्त हुई। इधर भी बम बम उधर भी बम बम, बम बम की वो थी बेला, इधर कंवरिया उधर कंवरिया, कांवरियों का था मेला। जो देखा वो देखने को कहां भला मिल पाता है, जर जर बूढ़ा कांवर लेकर दौड़ा हुआ सा जाता है। देख रही थी मंत्र मुग्ध से कितना दृश्य सुहाना है, झूम रहा हर शख्स भाव में बना हुआ मस्ताना है। नाच रहे हैं बच्चे उनको भूख की है परवाह नहीं, वैद्यनाथ का दर्शन चाहिए और कोई भी चाह नहीं। देख देख के दृश्य सारा तेज बहुत ही चाल हुई, कांवरियों के बीच में जाकर और जरा खुशहाल हुई। जोश तो उसका टिका हुआ था बोल बम के नारे पर, अलख जगाती लड़की पहुंची एक दिन शिव के द्वारे पर। दूर दूर से भक्त थे आए, लगी हुई थी भीड़ बड़ी, कोशिश करके ज्योतिर्लिंग के हुई वो जाकर पास खड़ी। कहने लगी है वैद्यनाथ फरियाद बहुत मैं लाई हूँ, धाम तुम्हारे विश्वनाथ की भेजी हुई मैं आई हूँ। एक दुखियारी बेटी हूँ मैं, बर्तन माजने वाली की, इज्जत की दौलत तो बहुत है हालत है कंगाली की। इस दुनिया में माँ के सिवा ना मेरा कोई सहारा है, और बड़ी मुश्किल
जाएगी, मर जाऊंगी या तो मैं और माँ भी मेरी मर जाएगी। इतना कह कर लगी सिसकने, होने लगी तबीयत बोझल, आँख से आंसू लगे टपकने लगी चढ़ाने शिव को जल। तभी अचानक उस लड़की को आने लगे भारी चक्कर, गश खाकर बेहोश हुई और जाके गिरी शिव पिंडी पर। भक्त के खातिर वैद्यनाथ को चमत्कार करना ही था, खाली झोली लाई थी उसकी झोली भरना ही था। कई रोज बेहोश रही पर एक रोज जब आँख खुली, पाई खुद को एक कोठी में हवा जहाँ थी इत्र धुली। वैद्यनाथ का चमत्कार था, कोई था संयोग नहीं, माँ थी उसके पास में बैठी, उसे था कोई रोग नहीं। धुले हुए कपड़े पहने थी, होठों पे थी एक मुस्कान, सच थे उसके सपने हुए पूरे थे हुए उसके अरमान। कहने लगी ऐ बेटी उठ, अब लौट आया है दिन अपना, विश्वनाथ के कृपा से पूरा हो गया है हर सपना। बेटी तू बेहोश हो गई थी जब मंदिर के अंदर, तुझे उठा कर ले आया एक नौजवान सुंदर। वैद्यनाथ को हाल बताने लगी थी जब तुम मंदिर में, रो रो करके दुखड़ा सुनाने लगी थी जब तुम मंदिर में। दुर्दिन का हर हाल सुना कर तुमको बहुत ही रोना पड़ा, देख रहा ये दृश्य था सारा, लड़का था एक पीछे खड़ा। होकर जब बेहोश गिरी तुम वैद्यनाथ के पिंडी पर, लड़का उठाया था ऐ बेटी तुझको छत आगे बढ़कर। लड़के से लोगों ने पूछा बोलो ये लड़की है कौन, उत्तर कुछ ना सूझ पड़ा तो खड़ा रहा वो कुछ पल मौन। अपनी आंखें बंद किया और शिव शंकर का ध्यान किया, कुछ आदेश मिला बाबा का, साथ में आशीर्वाद मिला। आँख खोल कर लोगों को लड़के ने दिया ये फिर उत्तर, साथ ये मेरे आई है और मेरी है ये मंगेतर। अस्पताल फिर ले नगरी लाया तुझे इलाज करा कर ले बेटी। देखो ये संयोग की वो काशी का रहने वाला है, और काशी के धनवानों में उसका रुतवा आला है। फिर मुझको भी ढूंढा और इलाज भी मेरा करवाया, बाबा ने आदेश दिया था जो वो मुझको बतलाया। बाबा ने आदेश दिया है, मैंने हामी भर दी है, ब्याह की तेरी साथ में उसके सब तैयारी कर दी है। तभी वहां पे लड़का आया, लड़की की जब पड़ी नजर, एक टक उसको देखती रह गई, लड़का था इतना सुंदर। शादी उनकी हुई धूम से, लड़की बड़ी खुशहाल हुई, शिव की भक्ति करके वो कंगाल से माला माल हुई। नित्य मगर गंगा स्नान न करना छोड़ी वो लड़की, विश्वनाथ पूजन का पावन व्रत न तोड़ी वो लड़की। सुख के दिन वो काट रही थी अपने प्यारे पिया के घर, सोच लिया था पिया के संग में जाऊंगी कांवर लेकर। कांवर की तैयारी
हद तक लाचार हुई। उसका पति जो भी हो सकता था वो सभी उपाय किया, डॉक्टरों को दिखाया जाके वैद्यों से भी राय लिया। एक एक करके बीत रहे थे सावन के वो पावन दिन, रोती थी लाचार वो लड़की बचे हुए कम दिन को गिन। विश्वनाथ और वैद्यनाथ का रटती थी वो पावन नाम, दोनों जगह का जल पीती थी दवा समझ के सुबह हो शाम। रिमझिम सावन बरस रहा था, अब एक दिन की बात सुनो, सोई थी बीमार वो लड़की, हुई थी आधी रात सुनो। सपने में उसने देखा कि वैद्यनाथ घर आए हैं, पार्वती माता को भी वो अपने साथ मिलाए हैं। देवघर नगरी से आकर वो खड़े हुए हैं आंगन में, लड़की बिस्तर से उठ बैठी इतना जोश भरा मन में। वैद्यनाथ ये कहने लगे, बेटी सुन ध्यान से बात मेरी, दूर तुम्हारा दुख होगा और मिट जाएगी चिंता तेरी। इस हालत में पास मेरे ऐ बेटी नहीं आ सकती हो, आने का फल ना आके भी लेकिन तुम पा सकती हो। बन के कंवरिया विश्वनाथ को बेटी चढ़ाओ गंगा जल, तुझे मिलेगा सारे कंवरियों को मिलता है जितना फल। वैद्यनाथ और विश्वनाथ में बेटी है बस नाम का भेद, शिव पुराण पावन पढ़ लेना चाहे पढ़ लेना तुम वेद। इतना कह कर बाबा झुकाया, बदल गया चेहरे का रंग, बाबा अंतर ध्यान हो गए माता पार्वती के संग। तो देखा शिव भक्तों, लड़की के सपने में पहली बार काशी वासी विश्वनाथ आए थे और उन्होंने उसे देवघर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए भेजा था और उन्होंने उसकी मनोकामना भी पूर्ण की थी। लेकिन इस बार बाबा वैद्यनाथ उसके सपने में आकर उसे विश्वनाथ को जल चढ़ाने का आदेश देते हैं। तो ये दोनों एक हैं। आप सावन में शिव की पूजा करें क्योंकि सावन शिव का महीना है। हर हर महादेव। अंतर ध्यान के होते ही लड़की का टूट गया सपना, आँख खुली तो देखा कि है बैठा पास पति अपना। लगी बताने अपने पति को सपने का वो सारा, शिव के भक्त को कर दिया था शिव के भक्ति ने खुशहाल। हुई सुबह तो दोनों पहुँचे दशाश्वमेघ के पावन घाट, गंगा नहाए और बनाए दोनों कंवरिया वाला घाट। कांवर में गंगा जल भरे वो विश्वनाथ को नहलाए, उनका पावन प्रसाद लेकर अपने घर आए। नहीं जो देव घर जा सकते हैं उनके लिए सुझाव है ये, सुन लो भक्तों महादेव शंकर के मन का भाव है ये। अपने गांव नगर में जो भी शिव का मंदिर हो पावन, उसमें जाना और मूरत को नहलाना तुम भर सावन। सुबह की पूजा सांध्या आरती का जो दीप जलाओगे, मन चाहा वर महादेव से ऐ भक्तों।